नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल टेम्पल पॉइंट। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 5:20 और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नई वीडियो। पिछले 4 महीनों से टेम्पल पॉइंट चैनल पर किसी प्रकार से कोई वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता था। फिर एग्ज़ाम शुरू हो गए, उसमें हम लोग बिजी थे और टाइम मिल नहीं पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से आप सबके लिए हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस नए वीडियो में हम आपको घर बैठे फिर से नई यात्रा कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले इस नए सीरीज़ में वाराणसी के घाट एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। आपको घर बैठे घाटों के दर्शन के साथ साथ उनसे जुड़ी सारी जानकारियां शेयर करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार एक नए इस डिजिटल यात्रा के लिए, जिसमें डिजिटल तरीके से आप मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे वाराणसी के घाट्स। फिलहाल आज की इस नए कवरेज में हम आपको एक नए घाट दिखाने वाले हैं, उसके डेवलपमेंट्स भी दिखाएंगे और वहाँ से आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे जैसे आप खुद जो है उस घाट पर मौजूद हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ रोड पर और ये मेरी स्कूटी है, इसी से मैं आपको लेकर चलूँगा और घर बैठे यात्रा कराऊँगा। चलिए अब हमारी मुलाकात होती है उस घाट के पास। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो में बने रहिएगा। हमारी ट्रैवल चल रही है और अचानक से हम रुके हुए हैं किसी प्लेस पर और आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मेरे पीछे आप वो मंदिर देख पा रहे होंगे, देखिए मेरे इस साइड में वो मंदिर है, यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे उस मंदिर को। उस मंदिर में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो घंटे बंधे हुए हैं। अब उस घंटे की मान्यता क्या है और इस मंदिर की क्या मान्यता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रूट जो है ये वाराणसी टू चंदौली जोड़ने वाला रूट है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और आपको बता दें कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं उन पर माले यहीं पर चढ़ाए जाते हैं। जो माले होते हैं, फूल और माला होता है ना, वो जो है वो गाड़ियों पर चढ़ता है यहाँ से। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दीजिए, अन्यथा आप कल पैसे दे दीजिए, परसों दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माला आप अपने गाड़ी पर ज़रूर चढ़ा लीजिए। मैं आपको भी स्टोरी भी बताता हूँ। ये जो बाबा हैं इनका नाम है बाबा तड़वा वीर, और यहाँ पर जितने भी लोग अपने मन की मुरादों को लेकर आते हैं, जब उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं तो वो यहाँ पर घंटे बांधते हैं। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं पूरे घंटे घंटे बंधे हुए हैं और इनको घंटे वाले बाबा के नाम से भी हम जानते हैं इसी कारण से। और स्टोरी क्या है मैं आपको अपनी आप से शेयर करता हूँ। बेसिकली एक ऐसा समय था रात का, करीबन 11:30 बज रहे थे और मैं ट्रैवल कर रहा था इसी रूट पर। मेरा ये जो स्कूटी है इसमें अचानक से क्या प्रॉब्लम आया पता ही नहीं चला, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और रात का समय था, मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैं कहूँ मैं अब क्या करूँ, आगे ही मेरा स्कूटी बंद हुआ था, कोई मैकेनिक भी नहीं चालू था, कोई मैकेनिक का शॉप नहीं चालू था, सॉरी ओपन, किसी तरह से कोई मैकेनिक का शॉप ओपन नहीं था और बड़ा दिक्कत हुआ। वैसे से मैं क्या करूँ, अब करूँ क्या, मैं इतना प्रॉब्लम है, रात का समय है, कोई मिल नहीं रहा है, घर भी जाना है। तो फिर मैंने जो है हाथ जोड़कर यहाँ पर प्रार्थना की कि हे बाबा जी सब ठीक हो जाए, और मैंने एक माला चढ़ाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो गाड़ी पिछले आधे घंटे से स्टार्ट नहीं हो रही थी वो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई और मैं तुरंत घर पहुँच गया। और जैसे ही मैं घर पहुँचा मेरी गाड़ी फिर से उसी तरह कंडीशन में हो गई। मैंने यही कहा कि बाबा मुझे घर पहुँचा दीजिए किसी भी तरह से। और बहुत लोगों ने यहाँ की बहुत सारी मान्यताएँ बताई हैं, मुझे भी तभी यकीन हुआ जब मैं यहाँ पर इस तरह से फंसा और मुझे बाबा ने जो है घर पहुँचा दिया। अगर आप कभी भी इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर जो है वो अपनी गाड़ी पर फूल पुष्प जो है चढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको इस तरह से वर्चुअल यात्रा कराते रहते हैं। Thank you.
हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास और हमने यहाँ पर अपना स्कूटी कर दिया है पार्क। अब बात करें पार्किंग की व्यवस्था की तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं गाड़ी पार्क करने की उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिलती, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो अच्छा हुआ। चलिए फिलहाल अभी जुनैद वेट कर रहा है, जो मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने बोला यार चलना है, तो बोला हाँ यार चलो चलते हैं, आज घाट एक्सप्लोर करते हैं। और बड़ा अच्छा व्यवस्था यहाँ बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये पूल है जहाँ पर ट्रेन्स जो है वो आ जा रही हैं, सो ये काफ़ी बेस्ट हो जाता है अपने आप में। और चलिए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से घाट का डेवलपमेंट किया गया है, और आपको सीरीज़ इस तरह से मिलती रहेंगी। हर हर गंगे, सबसे पहले आप मेरे पीछे माँ गंगा के इस पवित्र पावन दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और देख सकते हैं ऊपर जो पुल है उसे हम मालवी पुल कहते हैं, साथ ही साथ राजघाट के पुल के नाम से भी बनारस में ये पुल जो है फेमस है। ये पुल जो है वो हावड़ा जाने वाली जितनी भी ट्रेन होती है वाराणसी से होकर जाती हैं, वो इस पुल से ही गुजरती हैं। ये दो ज़िलों को जोड़ता है और साथ ही साथ कई स्टेट्स भी इससे इंटरकनेक्टेड हैं। ऊपर जीटी रोड है और नीचे जो है वो रेलवे ट्रैक है। फिलहाल पीछे का पूरा व्यू देख सकते हैं, मैं नीचे आ चुका हूँ, ऊपर का पूरा व्यू मैंने आपको दिखाया, आई गेस आपने अच्छे से देखा होगा। अभी और हम एक्सप्लोर करेंगे, और हम मौजूद हैं फिलहाल खिड़कियाँ घाट पर। खिड़कियाँ घाट अभी इन द प्रोग्रेस डेवलपमेंट में है, और अब हम अपने इस व्लॉग में अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड जुनैद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम। जुनैद, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं इस घाट पे? 2-3 times। अच्छा, 2 से 3 बार आप आ चुके हैं, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे ज़रा था कि आप इवनिंग में भी विज़िट किए हैं, नाइट में और अभी मॉर्निंग में, तीनों टाइम में आपने विज़िट किया है? मैंने विज़िट करा, नाइट काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ का रहता है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब लाइटिंग वगैरह होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पर, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, अभी जुनैद बता रहे हैं नाइट में भी इन्होंने किया था, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और अभी फिलहाल तो प्रोग्रेस डेवलपमेंट में यहाँ पे एनी टाइम आइए, लोग मिलते रहेंगे। हाँ, एनी टाइम। जो वाराणसी आ रहा है उनको आप क्या मैसेज देंगे? जो लोग भी वाराणसी आ रहे हैं वो यहाँ पे एक बार जरूर आए, जरूर विजिट करें, बहुत अच्छी जगह है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बनाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मेहनतों के बाद। और शायद जो पोज मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पिक शेयर किया हुआ था, और कई बार वो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट में ये भी प्रोजेक्ट है, अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और घाट हम लोग विजिट कर पाए। कुछ चीज़ें जुनैद बता रहे थे वो पोर्ट्स के बारे में, जुनैद कुछ आपको नॉलेज है क्या पोर्ट्स के बारे में, क्या कैसे बोटिंग होती है? कुछ लोग टिकट लेते हैं, टिकट लेके फिर उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। अच्छा चलिए, यानी ये बता रहे हैं सही है, वहाँ से टिकट लेना होगा, और आई होप वो सब जितने भी बोट हैं वो आपको फिर आपको एंट्री देंगे और पूरे घाट विजिट कराएंगे। वाराणसी अपने घाटों के लिए काफ़ी फेमस है, तो आप जब भी आ रहे हैं घाट ज़रूर विजिट करें, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि घाट पर डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और अंडर डेवलपमेंट है, तो ये देख रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। जिस तरीके से ये घाट बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि वैसा ही घाट जो है वो आगे बनेगा, और काफ़ी डेवलपमेंट देख लीजिए अभी हो रहा है यहाँ पर। और मैं आपको इधर घाट दिखाऊँ तो देखिए, वो जो देख रहे हैं जहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है वो फ़ोटो
अपलोड किया हुआ था और ये पूरे घाट्स को आप देख पा रहे हैं। सुबह के समय क्या होता है, घाट्स के माहौल ही अलग होते हैं। बनारस जो है ना वो अपने घाटों के लिए इसीलिए फेमस है। जगह जगह पर लिखा गया है कृपया सुरक्षा रेखा के आगे न जाएं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, घाट के इस जगह पर गंदगी वगैरह ना फैलाएं, थोड़ा सा इस बात को आपको खास ख्याल रखना। और जब कभी भी वाराणसी आ रहे हैं एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम घाट पर ही मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि वाराणसी जो है वो अपनी सांस्कृतिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अपनी सांस्कृत गीत हो, सांस्कृत नृत्य हो, ये सब सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। फिलहाल मैंने आपको एक सांस्कृत नृत्य दिखाया जो कि छोटा सा ही क्लिप था हमारे पास, तो हमने सोचा चलो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। बेसिकली अभी घाट पर देख रहे हैं धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है वो इंक्रीज़ होती है। काफ़ी सारे लोग सुबह के टाइम जो है वो रनिंग करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने के लिए आते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और सेक्शन दिखाता हूँ, ये देखिए प्लेबैक सेक्शन है जहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर गेम वगैरह खेल रहे हैं और कई सारे ऐसे बच्चों को मैंने यहाँ पर स्केटिंग करते हुए देखा हुआ है। स्केटिंग तो मेरा बहुत पुराना पैशन था, स्केटिंग से याद आया कभी मैं भी काफ़ी अच्छा स्केटिंग करता था, लेकिन वो सब चीज़ें अब छूट गई। तो फिर चलिए एक बार मैं आपको कंटिन्यू कभी दिखाऊँगा एक वीडियो बनाकर। और फिलहाल सबसे अच्छा मुझे यही अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पर जो अपनी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसे अभी भी कंटिन्यू रखा गया है। तो थोड़ा सा व्लॉग्स में आप देख रहे होंगे इस तरह का, ये इस तरह से प्लेसेस भी बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर बैठना है, थोड़े समय बिताने हैं, एक पीस चाहिए, सो यू कैन विजिट इट। और जुनैद जो है अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जुनैद कैसा लग रहा है अभी, जितने भी हम लोगों ने अभी विजिट किया है, किस तरह का आप फीडबैक देना चाहेंगे? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर आपको कुछ और दिखाते हैं। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो क्लिप में बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो इस घाट पर विजिट कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि ये घाट आपको कैसा लग रहा है देखने में? वंडरफुल भाई, एकदम एक वर्ड में जन्नत। अच्छा जन्नत, अच्छा काशी तो जन्नत का शहर ही है। बिल्कुल सही बात, बाबा के दरबार में रहते हैं और अच्छे अच्छे अद्भुत अद्भुत चीज देखने को मिले हैं और भी उम्मीद है कि मिले। कैमरा उधर घुमाएंगे तो देखिए बाबा का हाथ बना हुआ है। हाँ हाँ, वो तो मैंने दिखाया है। साक्षात माँ बाप और बच्चों का लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से वीडियो देखते हैं, तो अगर वो काशी आ रहे हैं तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? काशी आ रहे हैं तो खिड़किया घाट पे जरूर आइए। पहले घाट कैसा था ये, मतलब पहले खंडहर था, अद्भुत और अब यहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया गया है इसको मोदी जी के द्वारा। अच्छा, अभी कुछ दिन में हम लोग के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अच्छा सिविल नाश हो गया, अब उद्घाटन की बारी है। क्या बात, अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी। क्या बात, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो फाइनली आपने अभी देखा कि भैया लोगों ने काफी फीडबैक दिया, शेयर किया, आप कभी भी काशी आ रहे हैं कृपया घाट जरूर आए भाई। बिल्कुल हैं, बिल्कुल आए, बहुत अच्छा जगह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम राम। राम राम। सो इस तरह से फीडबैक जब मिलते हैं तो एक मोटिवेशन, मेरे चैनल का नाम टेम्पल पॉइंट है, टेम्पल पॉइंट यूट्यूब पे। सो फिलहाल आपने देखा कुछ लोग जो है वो चैनल्स के नाम भी पूछ रहे थे, तो बेसिकली पूरी तरीके से हमने कवरेज कर लिया है और अब समय है इस ब्लॉग को एंड अप करने का। हम लोगों ने सुबह से वीडियोस बनाई है और सारी जानकारी ए टू जेड शेयर की है। अब एक फीडबैक और एक जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको यहां तक विजिट कैसे करना है, तो अभी चलते हैं और उसको नेक्स्ट क्लिप में लेते हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं।
तो मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसमें पूरी तरीके से यहाँ की पूरी विशेषताएं लिखी हैं। पहले मैं आपको पचकोशी मार्ग, पचकोशी यात्रा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पचकोशी यात्रा के बारे में आप डिटेल तरीके से पढ़ लीजिएगा कि पचकोशी यात्रा क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है। अब हम बढ़ते हैं इधर रामनगर। तो देखिए रामनगर जो है, रामनगर के राजा का यहाँ प्रसिद्ध राम लीला होता है और यहाँ पर किला, हाँ सॉरी, यहाँ रामनगर की एक किला, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आते हैं इधर राजघाट, जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो राजघाट की क्या मान्यताएँ हैं और इनकी क्या इतिहास है, इस घाट से रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए पूरी डिटेल ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वहीं आते हैं और यहाँ पर आपको पूरा रूट मैप दिया हुआ है कि अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो वाराणसी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, किधर क्या एरिया पड़ता है और कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे। इधर देखिए पूरा मैप सर्कल डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही भव्य तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इधर बनारस की सबसे प्राचीन, मैं कह सकता हूँ, विश्वविद्यालय, जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसके बारे में भी पूरी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें सारनाथ की, तो यहाँ देखिए सारनाथ से जुड़ी भी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है और काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में भी आप पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप काशी आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी बहुत जल्द हम आपको जो है वो सारनाथ की टूर कराने वाले हैं एट द 2-3 दिनों में, तो उसकी वीडियोज़ भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो अभी जैसे ही हम पहुँचे थे खिड़किया घाट पर, तो यहाँ हमें गोवर्धनधारी मंदिर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर निशुल्क जो है वो योग कक्षा लगाया गया है, योग की शिक्षा दी जा रही है। और आप मेरे पीछे वॉइस भी सुन पा रहे होंगे, देखिए वो वहाँ पे हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अपने हेल्थ के लिए, ठीक है। और एक यूट्यूबर की ज़िंदगी क्या होती है वो आप समझ पा रहे होंगे, मतलब बहुत टफ रहता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जुनैद साथ में, वो देख रहा है कि कितनी मेहनत है। और अभी हम आपको ये जो टूर दे रहे थे, ये दिन का टूर दे रहे थे। अभी जुनैद से मेरी प्लानिंग हो रही थी, तो जुनैद बोल रहा था कि रात में काफ़ी भव्य होता है, तो हम सोच रहे हैं कि अब आपको रात का भी टूर जो है वो दिया जाए। अब जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो दिन में विज़िट तो करें ही करें, रात में विज़िट करें, और 1-2 दिन के अंदर हम जल्द ही जो है वो नाइट टूर भी लेकर आएंगे इस घाट का। और चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पास और वहाँ से इस ब्लॉग को एंड अप करते हैं। अब समय है इस ब्लॉग को एंड अप करने का। एंड में हम आपको देने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, बताने वाले हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए अगर आप वाराणसी से इस वीडियो को देख रहे हैं फिर तो आप आराम से आ जाएंगे, आपको गाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं और वाराणसी आने वाले हैं तो आप कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए वाराणसी आने का 3 माध्यम है। पहला माध्यम है आप बाई फ्लाइट आइए, जो कि आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट है। दूसरा ऑप्शन है बाई ट्रेन, जो कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन और 2-3 रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है बाई बस, तो बाई बस वाले भी काफ़ी कम पैसेंजर होते हैं। अब अगर आप आ रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि कैंट रेलवे स्टेशन आएँ, क्योंकि वाराणसी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन है, जिसको हम स्टेशन कोड के नाम से BSB जानते हैं। वहाँ आने के बाद आपको किसी ऑटो वाले से कहना है कि सर मुझे खिड़कियाँ घाट जाना है, वो आपको यहाँ पर सिंपली सा आराम से ले आएंगे, क्योंकि ऐसे आप जानते नहीं हैं। और अगर बाई चांस आप जो है वो आ रहे हैं और आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पर, तो फिर आपको वो गाइड कर देगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए व्लॉग को एंड करने के लिए अब हमारे साथ जुनैद फिर से मौजूद है, जुनैद को हम लेते हैं अपने व्लॉग में। जुनैद आज का ये थोड़ा सा समय कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। चलिए, एडिट करना वगैरह बहुत मेहनत लगता है। तो लोगों से कहिए कि फिर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आपके मन के ऊपर है, आप देखिए कुछ लोग वहाँ से हाथ दिखा रहे हैं कैमरे में, यही होता है ना, आप कैमरे में कुछ बोल रहे हो और अगर कोई वहाँ से देख ले आपको और थोड़ा हाथ दिखाए तो फिर थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग हो जाती है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, तुम्हारा नाम है? और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।